दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से कुकिंग लर्न में। मैं हूं अमित वशिष्ठ और मेरे साथ हैं मेरी प्यारी मम्मी मालती वशिष्ठ। आज हम फिर से बनाने जा रहे हैं एक सिंपल सी रेसिपी और ये रेसिपी मेरी टिफ़िन की सबसे फेवरेट रेसिपी होती थी। मैं मम्मी को हमेशा बोलता था कि मुझे लंच बॉक्स में भिंडी डाल के देना। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मॉम स्टाइल भिंडी। तो मम्मी ज़्यादा समय नहीं लेते, एक क्विक रेसिपी है आपकी, फटाफट से बनाते हैं भिंडी। तो भिंडी बनाने के लिए क्या चाहिए मम्मी? सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और उसको गैस पे रखेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। तो एक बार दोस्तों को बता दीजिए आपने भिंडी को काटा कैसे है। ये भिंडी हमने ना ज़्यादा छोटी काटी है और ना ज़्यादा हमने बड़ी काटी है, ये मीडियम साइज हमने भिंडी काट के रख ली थी। ऑब्वियसली भिंडी बहुत जल्दी गल जाती है, इसीलिए आप अक्सर देखते होंगे कि आपकी सब्ज़ी मच्छी बनती है, पर अगर आप ऐसा साइज़ रखेंगे तो भिंडी बहुत अच्छी बनेगी। तो मम्मी शुरू कीजिए। हाँ, सबसे पहले हम गैस को ऑन करते हैं। ये कढ़ाई रख दी है और इसमें हम अब सरसों का तेल डालेंगे। ये फिर से एक और रेसिपी है जिसमें मम्मी सरसों का तेल यूज़ कर रही है। ऑब्वियसली भिंडी सरसों के तेल में ही बहुत अच्छी बनती है। और नमक डालेंगे? हाँ, नमक डालेंगे। डालिए फिर मम्मी। मेरी रेसिपी में हमेशा नमक होता है। हाँ। तो मम्मी हमेशा कहती हैं कि तेल के अंदर नमक डालिए जिससे कि उसका रॉ फ्लेवर निकल जाए। तो ये तो मस्टर्ड ऑयल है तो नमक डालना बनता ही है। हमारा तेल गरम हो गया है और इसमें हम जीरा डालेंगे। तो जीरा हमारा डल गया है, जीरा क्रैकल हो रहा है। इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाल देंगे। अब इसमें हम प्याज डाल रहे हैं, तो छोटी छोटी काटी हुई प्याज डाल रहे हैं। तो मम्मी ने रफली एक अनियन को चॉप किया है, एक बड़ी अनियन। आप ऑब्वियसली घर में फाइन चॉप की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मोटा भी काट सकते हैं। इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्च भी, कटी हुई हरी मिर्च भी डाल रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मम्मी ने हरी मिर्च भी मोटी मोटी ही काटी है। आफ्टर ऑल बात स्वाद की है, कट की नहीं है कि आपने सब्ज़ी को कैसा काटा। माँ के हाथ में तो टेस्टी होता है और हम उसी लिए घर का खाना पसंद करते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे। वाह, बहुत अच्छे। मैं भी सोचूं हींग क्यों नहीं डाली अभी तक आपने। हमने इसमें चुटकी भर हींग डाल दिया है। सो हींग हमारे घर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। हमारे मोस्टली खाने में हींग डलता है। ये हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है और इसमें हम अब डालेंगे टमाटर। बढ़िया, डालिए मम्मी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं टमाटर भी मम्मी ने रफली ही काटे हैं। सो घर में जब भी सब्ज़ी बनाए कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से चॉप टमाटो डाल सकते हैं। सो मम्मी ये बताना भूल गए हमने भिंडी कितनी ली है। हमने ये 300 ग्राम भिंडी ली है। तो दोस्तों करीबन 300 ग्राम भिंडी आज हम बना रहे हैं और टमाटोस भी करीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटो मम्मी ने इसमें रफली चॉप करके डाले हैं। इसमें हम अब मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम हल्दी डालेंगे। तो दोस्तों करीबन हाफ टीस्पून हल्दी मम्मी ने इसमें डाली है। कश्मीरी मिर्च डालेंगे। सो लो कश्मीरी मिर्च भी आ गई। दोस्तों जैसा मैंने कई बार बताया हम घर में कश्मीरी मिर्च यूज़ करते हैं, तीखी मिर्च यूज़ नहीं करते। थोड़ा सा नमक हमेशा अच्छा रहता है, मसालों के साथ वेजिटेबल्स जल्दी गलती हैं। थोड़ा नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, पर यहाँ पे मम्मी ने करीबन हाफ टीस्पून सॉल्ट डाला है। इसमें हम आप धनिया पाउडर डालें। बहुत अच्छे, डाली मम्मी। इसमें हम थोड़ा सा मसाला पकाने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे। मसाले को हम मंदी आंच पे पकाएंगे। तो दोस्तों मसालों को पकाना बहुत ज़रूरी है। हमेशा पानी डाल के आप मंदी आंच पे इसे धीरे धीरे पकने दें। और आप देख सकते हैं कि ये ग्रेवी फॉर्म हो गई है जो कि थोड़ी सी सूखी है। ऑब्वियसली भिंडी बनाने के लिए हम बहुत पानी नहीं डालेंगे और ग्रेवी को थोड़ा सूखा ही रखेंगे। मसाले हमारे पक गए हैं और अब इसमें हम भिंडी डालेंगे। डालिए मम्मी, भिंडी डालिए। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखें भिंडी के बारे में कि भिंडी को आप हमेशा काटने से पहले ही धोएंगे। भिंडी को कभी भी काटने के बाद नहीं धोया जाता। भिंडी को हमने मसाले में मिक्स कर दिया है और इसको हम अब ढककर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। सो दोस्तों भिंडी पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट। आप ढक्कन लगा के इसे मंदी आंच पे पकाइए और चूल्हे से बहुत दूर मत जाइए, या आप इसके बारे में भूल मत जाइए, पास ही रहिए। अब ढक्कन लगा दें मम्मी? हाँ, ढक्कन लगा दो। तो लो, इस पे लगा दिया हमने ढक्कन और अब आंच को कर देते हैं मंदा मम्मी। हाँ। तो दोस्तों भिंडी जब तक हमारी पक रही है, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मम्मी को रिक्वेस्ट करके मैंने अपने स्टूडियो में बुलाया है आपको खाना बनाना सिखाने के लिए। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई रेसिपी जो आप चाहते हैं मम्मी आपको बनाना सिखाएं वो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें। भिंडी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और इसको एक बार हम खोल के और इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। भिंडी हमारी पक रही है और इसी बीच में हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। सो दोस्तों चाट मसाला आपकी मर्जी है, अगर आप चटपटी भिंडी खाना चाहते हैं तो चाट मसाला डाल सकते हैं, और डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला भी। सो मम्मी ढक दें इसको अभी हम? नहीं, इनको मसालों को हम जब हमने चाट मसाला और गरम मसाला डाला है मिक्स कर दिया, मिला देते हैं। भिंडी हमारी 10 मिनट से पक रही है और ये तैयार हो गई है, और अब इसको हम बंद कर देते हैं। तो मैं जल्दी से इसको बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों समय है बचपन की यादों का बक्सा खोलने का, और ये प्यारी प्यारी भिंडी तैयार हो गई है। वाह मम्मी, कुछ बदला नहीं, बचपन में भी ऐसे ही बनाते थे आप और अभी भी ऐसी ही लग रही है। तो दोस्तों कितना आसान था मम्मी की स्टाइल में भिंडी बनाना। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली को भी खिलाइए, और देखते रहिए कुक एंड लर्न।